नमस्कार। सबसे बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा जिला में जन स्वराज का यात्रा लेकर खुद प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। उनके साथ हजारों के हजार संख्या में लोग यहां पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ दिग्यार गांव दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ दिग्यार गांव में लगाया कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल का आयोजन। बाढ़ दिग्यार गांव में जन स्वराज का भव्य कैंप लगाया गया। इस दौरान पदयात्रियों ने जन स्वराज के सदस्यों व ग्रामीण लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेलकूद की गतिविधियां कराई गई, जैसे बैडमिंटन प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता सहित क्विज का आयोजन किया गया। प्रशांत किशोर ने 12.4 किलोमीटर तक की पदयात्रा किया है। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को यहां कुल 12.4 किलोमीटर तक की पदयात्रा की है। इस दौरान वे केवटी ब्लॉक के 6 पंचायतों के 10 गांव में गए। बड़ा पोखर मैदान के पास से पदयात्रा शुरू कर वे गोठौली, लदारी, खीरमा, दुधिया, हनुमान नगर, हुलास, कदम टोली, शेखपुरा, दानी, पिंडारूज के पास लगे कैंप में आकर रुके। यहीं पर रात्रि विश्राम भी किया है। देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों की भीड़, और ये जो खासकर जयनगर और दरभंगा पथ है उसमें काफ़ी देर तक जाम भी लग गया, जिसमें एसएसबी का जो गाड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे में भारी संख्या में जो लोग हैं उनका जोरदार स्वागत सम्मान भव्य तरीके से किया गया है। प्रशांत किशोर ने खासकर मुख्यतः नीतीश कुमार और लालू यादव को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कुंभकर्ण निद्रा से उठे हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भारी यहां पर जो खासकर नीतीश कुमार पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। बाढ़ दिग्यार गांव में जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले कुंभकर्ण निद्रा से उठे हैं और उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि आप 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, इन वर्षों में 15 वर्षों तक भाजपा के साथ ही मुख्यमंत्री रहे। 2017 से लेकर 2022 तक एनडीए की सरकार बिहार में भी थी और दिल्ली में भी। आप कोई ऐसा वक्तव्य दिखा दिए कि भाजपा में रहते हुए नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की बात की हो, चर्चा की हो। उनकी पार्टी के नेता के बारे में बता दें कि उन्होंने संसद में खड़े होकर विशेष राज्य के दर्जे की बात की हो। उस समय उनकी पार्टी के नेता संसद में खड़े होकर मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे, उन्हें महामानव बता रहे थे। आज जब आरजेडी लालटेन के साथ गए हैं तो भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। 2 महीने के बाद भाजपा के साथ आ जाएंगे और आरजेडी के खिलाफ बोलने लगेंगे। नीतीश कुमार का चरित्र राज्य के लोगों ने देख लिया है, अब आम जनता उनके झांसे में आने वाले नहीं है। ये नीतीश कुमार के करियर का अंतिम दौर चल रहा है। कुछ महीने और हाथ पांव मार ले, जितना समाज को बांटने का प्रयास करना है कर ले। तो बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर केवटी प्रखंड क्षेत्र में जबरदस्त हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और उस हजारों की संख्या में लोगों के भीड़ के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधा है।
पांच हजार।